दोस्तों अगर आपके पास भी है मोटरोला H50 फ्यूजन मोबाइल और इस मोबाइल में आप स्मार्ट कॉल सेटिंग को यूज करना चाह रहे हैं, यानी स्मार्ट कॉल सेटिंग को करना चाह रहे हैं, तो कैसे आप करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद स्क्रॉल डाउन थोड़ा करेंगे, उसके बाद यहाँ पर गेस्चर्स का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पर देखिए पिकअप टू साइलेंस का ऑप्शन मिला है, इस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये टिक होगा, इस टिक को आपको ऑन करना है। अब इससे होगा क्या है? ये मैं आपको बता दूं, अगर आपके मोबाइल में कॉल आ रही है और मोबाइल आपका इस तरह से रखा हुआ है, कॉल आने पर अगर मोबाइल को इस तरह से आप उठाएंगे तो दोस्तों जो कॉल बज रही थी वो साइलेंस हो जाएगी, यानी म्यूट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब यहाँ पर देखिए फिलिप फॉर टू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है, इस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस टिक को आपको ऑन करना है। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए अगर आप मीटिंग में हैं और आपके मोबाइल में दोस्तों कॉल आने लगी है, तो आप अपना मोबाइल पलटकर टेबल पर इस तरह से दोस्तों रख देंगे तो डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग ऑन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। ये सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब एक और सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल की डायलर में जाना है। मोबाइल के डायलर में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनाउंस कॉलर आईडी, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑलवेज पर टिक इस तरह से लगा दीजिए। इससे होगा क्या, जब भी आपके मोबाइल में किसी की कॉल आएगी तो उसका नाम लेकर बताएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है मोटरोला H50 फ्यूजन मोबाइल में स्मार्ट कॉल सेटिंग को यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।